गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी का. ओके, रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च. पहली बात, अगर आपको कोई बोले रिसर्च तो फिर आप क्या समझेंगे? रिसर्च के नाम से आपको समझ में आना, रिसर्च मतलब कोई चीज़ को फिर से सर्च करना. ओके, तो इसमें देखिए क्या होता है ना, ये एक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी होता है और इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रिसर्च कर रहे हैं हम, तो जैसे हम लोग केमिस्ट्री की बात करें अगर, तो अलग अलग टॉपिक्स में लोग रिसर्च करते हैं. मतलब पहले से जो चीज़ पता है उसको जर्नल्स के थ्रू पढ़ते हैं. पहले आपने देखा होगा ना कि पहले हम लोग रिसर्च अगर मतलब कोई भी रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग पहले जो जर्नल्स हैं ना उसमें कुछ पढ़ते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा रिसर्च हो चुका है, फिर उस हिसाब से मतलब ये सोचते हैं कि किस बारे में रिसर्च करना है, कौन सा टॉपिक है जो बहुत मतलब हॉट टॉपिक है कह सकते हैं, कि मतलब इस बारे में ना बहुत फाइंडिंग्स हो रही है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे अभी ग्रीन केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से मतलब ऐसे ऐसे रिएजेंट्स को यूज़ करें जिससे क्या है पॉल्यूशन ना हो, तो उस तरह से फिर हम रिसर्च करते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो ये मेथडिकल होता है, ये सिस्टमेटिक और मेथडिकल होता है. मतलब हम लोग एक मेथड है, मतलब कि पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब एक पार्ट बाय पार्ट हम लोग उसको देखते हैं. ओके, तो इसमें क्या होता है, देखिए पहले सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम ऐसा है जिसके बारे में हम लोग को रिसर्च करना चाहिए, फिर उस पर हम लोग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हम लोग उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करते हैं. ओके, फिर कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, सिक्वेंशली ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है, फिर रिसर्च को कॉन्क्लूड करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं उसको. ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं, रिसर्च क्या होता है, ये बहुत बेसिक बात है. रिसर्च हम तो जानते ही ना कि मतलब कितने तो रिसर्चेस होते हैं, अभी कोरोना वायरस कोविड हुआ था, हम लोग कितना सारा रिसर्च हुआ है उस पर, अलग अलग उसके वेरिएंट्स पे, फिर उस हिसाब से तो वैक्सीन बनाए. ओके, तो रिसर्च बहुत बेसिक टर्म है, री प्लस सर्च. ओके, तो अभी हम आज क्या देखेंगे, हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देखेंगे थोड़ा डिटेल में. ओके, तो ये देखिए मेथड्स ऑफ रिसर्च है. ओके, अब ये वाला देखिए यूजीसी नेट का बुक है. ओके, उस बुक से हम करा रहे हैं. तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे रिसर्च कितना टाइप का होता है, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल. तो हम आज देखेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. ओके, तो चलिए देखते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. तो देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मतलब क्या होता है ना, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है. मतलब ऐसा क्या है कि वो उस वक्त जैसे नहीं होता, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड होता है. ठीक है, तो इसमें असली में क्या होता है ना कि हम लोग एक इवेंट के बारे में पढ़ते हैं, कोई सिचुएशन होता है, कोई इवेंट. देखिए लिखा है कि डिस्क्रिप्टिव और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन और एन इवेंट. बेटर है कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे इसको. ओके, क्योंकि देखिए डिस्क्रिप्टिव मतलब वो कोई भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, जैसे एनएसएस या सेंसस. आपको पता है ना सेंसस क्या होता है, डेटा कलेक्ट करता है पॉपुलेशन के बारे में, लिटरेसी के बारे में. तो उसको आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं. देखिए एनएसएस और सेंसस, ओके, ये क्या करता है ना, कुछ डेटा कलेक्ट करता है. तो इसमें क्या होता है ना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जैसा है वो वैसा ही बोलते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ मैनिपुलेट करते हैं. देखिए इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड विदाउट चेंजिंग द एनवायरमेंट, मतलब कुछ कुछ भी नहीं चेंज करते वो, ऐसा नहीं कि कुछ चेंज करके मैनिपुलेट करके बोल रहे हैं, जैसा है वो वैसा ही बोल देते हैं. ठीक है, कोई इट इज नॉट ट्रूली एक्सपेरिमेंटल. जैसे कि एनएसएस और सेंसस, आप अगर एग्जाम्पल याद रखेंगे तो बहुत क्लियर रहेगा आपको. एनएसएस और सेंसस के थ्रू याद रख सकते हैं कि जो जो डेटा हमको मिलता है ना उस हिसाब से वो ऐसे ही पोर्ट्रे करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ चेंज वगैरह करेंगे. ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ना अलग अलग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं कि अलग अलग वेरिएबल्स कैसे, मतलब उसके बारे में रिलेशंस ये सब पढ़ते हैं. ओके, ये भी इसमें होता है. और दो तरह से हम लोग इसमें वो करते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. ओके, तो अब देखिए मेन क्या है ना कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं, हम ऑफन कन्फ्यूज कर जाते हैं. तो देखिए इसका जो टाइप है उसमें क्या क्या आता है, सर्वे स्टडीज. ऑब्वियसली आप समझ गए ना कि किसी एक चीज़ के बारे में रिसर्च हो रहा है जो, और जो जैसा है वैसा ही हम लोग इन्फॉर्मेशन को पोर्ट्रे कर देंगे. तो सर्वे स्टडीज़ क्या होता है, यहाँ सर्वे रिसर्च होता है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आप सर्वे कर रहे हैं और उस चीज़ का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. जैसे आप पॉपुलेशन के बारे में या फिर लिटरेसी के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, मतलब सर्वे कर रहे हैं. कोरिलेशनल स्टडी मतलब, नाम से आपको देखिए सब यहाँ पे सब नाम से समझ में आ रहा है, कोरिलेशनल स्टडी मतलब क्या होता है कि मतलब दो चीज़ के बीच में अगर आप कोई रिलेशन निकाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उस दोनों में रिलेशन है भी कि नहीं. ओके, तो वो हमारा हो गया कोरिलेशनल स्टडीज़. फिर देखिए हमारा आ रहा है, ये हम सब डिस्क्रिप्टिव का ही टाइप पढ़ रहे हैं. फिर हमारा आ रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. ठीक है, ये देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और सोशल साइंसेस में यूज़ होता है. और यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ अगर हो चुका है उसके बारे में फिर रिसर्च हम लोग करते हैं. और यहाँ पे भी ना कुछ मैनिपुलेट नहीं होता है, यहाँ पे भी नॉन मैनिपुलेटिव है. ओके, इस तरह से ही हमारा होता है हिस्टोरिकल रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च. ओके, हिस्टोरिकल रिसर्च भी इस तरह का ही होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो की तरह इस पर क्वेश्चन आते हैं. ओके, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है ना, डिस्क्रिप्टिव का टाइप है और बहुत देखिए समवर्ड सिमिलर टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. तो इसमें क्या होता है ना, किसी भी प्रॉब्लम का हिस्टोरिकल अप्रोच, मतलब पहले क्या क्या जानते हैं, क्या हुआ था, ये सब के बारे में है. ओके, कि पहले क्या हुआ, देखिए जैसे एग्जांपल्स देखिए, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड ऑल. ओके, अब एनालिटिकल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च देखिए हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसी तरह से कुछ एनालिटिकल है ये. मतलब क्या होता है कि जो हम लोग को पहले से पता है ना उसके बारे में हम इवेल्युएट करते हैं, कुछ एनालाइज करते हैं आप कह सकते हैं. ओके,
फिर हम आते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. एक्सप्लोरेटरी मतलब आपको पता है कि ये समथिंग एक्सप्लोरेशन के एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है. तो इसमें हम क्या कहते हैं ना, रिसर्च के शुरू में होता है और पहले एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमको पता है और उस हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि अच्छा क्या क्या पता करना है या फिर किस बारे में रिसर्च कर सकते हैं. ओके, तो ये एक्सप्लोरेटरी है, पहले से एक्सप्लोर करने से रिलेटेड. ओके, इसलिए इसका नाम है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. ओके, आप देख सकते हैं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में और क्या क्या है कि कोई प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई करता है, कोई हाइपोथेसिस को डेवलप करता है. और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि ये क्या करता है, सेकेंडरी डेटा यूज़ करता है. तो आपको पता है ना कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अगर हम बोल रहे हैं तो कुछ तो एक्सप्लोर कर रहा होगा ना. तो क्या एक्सप्लोर कर रहा है, वो कहाँ से एक्सप्लोर कर रहा है. ऑब्वियसली पहले से हम लोग के पास जो, जैसे हम लोग जर्नल्स पढ़ते हैं ना, पुराने जर्नल्स पढ़ते हैं, मतलब कि क्या क्या काम हो चुका है, उस हिसाब से ना रिसर्च करेंगे कि पहले तो एक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था. ओके, तो ये हमारे क्या थे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स हैं. ओके, थैंक यू.